और दोनों ही एक ही फैमिली टाइप की समझ सकते हैं क्योंकि दोनों में एक ही आत्मा काम करती है। हैरियर इससे ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा ऊंची है, ज़्यादा वजनी है। ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी, ऊंची, आक्रामक लगती है। यहाँ पर आपको एक कॉम्पैक्ट प्रीमियम डिज़ाइन नज़र आएगा। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ दो गाड़ियाँ हैं जिनका कंपेरिजन देखना आप ज़रूर पसंद करेंगे। और दोनों ही एक ही फैमिली टाइप की समझ सकते हैं क्योंकि दोनों में एक ही आत्मा काम करती है, दोनों में एक ही इंजन यूज़ किया जाता है। और ये है मेरे साथ टाटा की हैरियर, जिसमें आपको 170 पीएस का पावर आउटपुट मिलता है और 350 एनएम का ये टॉर्क देती है। और दूसरी तरफ भी आपको जो गाड़ी मिल रही है, ये है जीप का कंपास 4x2। यहाँ पर भी आपको 170 पीएस का पावर आउटपुट और 350 एनएम का टॉर्क मिलता है। इन दोनों गाड़ियों में खास क्या है, क्योंकि ये दोनों ही ऑफर करती हैं 5 लोगों के लिए बेहतरीन जगह और बूट में भी अच्छी जगह मिलती है, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों में, तो आपको कौन सी चुननी चाहिए? क्योंकि जो कीमत है यहाँ पर आप ज़्यादा चुकाते हो, यहाँ पर आपकी शुरुआत जो है थोड़े कम से होती है, तो ये कहाँ पर जस्टिफाई करती हैं कीमतें? इन कीमतों के साथ आपको दिखाते हैं क्या कुछ आपको मिल जाता है इसमें और कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं इनका फ्रंट लुक। सबसे पहले हैरियर की बात करते हैं। यहाँ पर आपको बढ़िया हेडलैम्प सेटअप मिलता है। खास करके मुझे ये अंदाज अच्छा लगता है जब गाड़ी को खोलते हैं और बंद करते हैं, तो ये जो शुरुआत मिलता है यहाँ पर जो हो रहा है पूरा एल्यूमिनेशन, ये बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप बहुत अच्छे से दिया गया है और लाइट बहुत ही इफेक्टिव रहती है। ग्रिल भी देखेंगे तो बहुत अच्छा अंदाज मिलेगा। और यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं सामने, और सामने कैमरा भी मिल जाता है क्योंकि 360 डिग्री कैमरा आता है। इसमें अडास के कई सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। तो भैया क्या है इसमें खास, अगर आप देखेंगे दोनों को आसपास में तो ये आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट लगने वाली है। हालांकि जीप के वेजिंग अपनी अलग अंदाज लेके चलती है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा प्रासंगिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको बढ़िया सेल्स नेटवर्क टाटा का मिलने वाला है। लेकिन जीप क्या ऑफर करती है अपने कंपास में, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या मिलता है जीप में, आपको एक बढ़िया ये फ्रंट लुक, जीप के अंदाज वाला ग्रिल मुझे काफ़ी पसंद रहा है शुरू से, खास करके इस रंग में बहुत अच्छी लगती है जीप की बैजिंग। और यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर और एलईडी का जो सेटअप मिलता है पूरा का पूरा हेडलैम्प पे काफ़ी अच्छा लगने वाला है, जीप की बैजिंग मिल जाएगी। और यहाँ पर परफॉर्मेंस एलईडी मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है रोशनी। अगर कंपेयर करेंगे दोनों की तो रात में थोड़ी सी इसकी ज़्यादा बेहतर आपको लगने वाली है। अप्रोच एंगल देखेंगे थोड़ा सा डाउन साइड दिखती है, जबकि हैरियर में आपको थोड़ा ऊपर मिलता है, तो अप्रोच एंगल आपको ज़्यादा हैरियर का अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा जरूर मिल जाता है, लेकिन अडास के कुछ फीचर्स में नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और एक चीज आपको दिखाता चलूं, जो वाइपर के लिए पानी निकलता है यहाँ से निकलता है, जबकि हैरियर में थोड़ा सा छुपा के रखा गया है। तो अब इसका दिखाते हैं दोनों का साइड प्रोफाइल। तो आइए जान लेते हैं दोनों के साइड प्रोफाइल की। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जीप का साइड प्रोफाइल, यहाँ पर क्या चीजें मिलने वाली है, तो ये आपको अंदाज मिलेगा। और यहाँ से टैंक खोलेंगे ना तो यहाँ पर ढक्कन मिसिंग मिलने वाला है, हालांकि एड ब्लू यहीं से डलता है यहाँ पर, तो दिख जाएगा। और साइड देखेंगे तो बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाता है, बड़ा विंडो एरिया मिल जाता है, रूफ रेल मिल जाता है, इसमें भी पैनारोमिक सनरूफ आता है और शार्क फिन एंटीना यहाँ पर मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो इससे आपको काफ़ी अच्छा अंदाजा लग जाएगा, लेकिन दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा बहुत आपको फर्क मिलने वाला है। यहाँ पर जो आपको टायर प्रोफाइल मिलता है 255/55R18 का मिल जाता है, और ये ड्यूअल टोन में कुछ इस तरीके का अलॉय ये ऑफर करती है। पूरी गाड़ी में आपको कहीं क्लैडिंग और नजर नहीं आएगी, थोड़ी सी क्लैडिंग यहाँ पर मिलती है और कंपास की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, गाड़ी में चले जाइए जब गाड़ी आप लॉक करेंगे तो ये फोल्ड हो जाता है, तो ये भी अच्छी चीज़ लगने वाली है। तो काफ़ी अच्छा अंदाज लगने वाला है इसका देखने में, और आपको ये ड्यूअल टोन में काफ़ी अच्छी लगेगी ये गाड़ी। इस साइड में दिखाता हूँ हैरियर। हैरियर इससे ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा ऊंची है, ज़्यादा वजनी है। तो यहाँ पर क्या मिल जाता है, तो टायर प्रोफाइल सबसे पहले जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टायर प्रोफाइल आपको यहाँ पर ज़्यादा बड़ा मिलता है, 235/60R18 का मिल जाता है, और ये अलॉय काफ़ी अच्छा जम रहा है। बढ़िया देखेंगे तो क्लाइडिंग गाड़ी के चारों तरफ परिक्रमा लगाती हुई मिल जाएगी, और एक अलग अंदाज यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रोम का इस तरह से मिल जाएगा। और यहाँ पर दोनों में एक समानता, यहाँ पर हैरियर ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर कंपास ऐसे लिखा हुआ, तो ये भी मिलने वाला है। ड्यूअल टोन में काफ़ी बेहतर लग रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो बड़ा आपको विंडो एरिया मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसकी ऊंचाई को परिभाषित करता है। साथ में यहाँ पर आपको रूफ रेल वगैरह बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं, और शार्क फिन एंटीना, और यहाँ पर पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के काफ़ी अच्छी लगाती हैं। यहाँ पर भी आपको प्रवेश के लिए रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, और जब चाबी से गाड़ी को लॉक करते हैं तो इसका भी ये फोल्ड हो जाता है। दोनों ही ORBM पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। समानताएँ बहुत ज़्यादा हैं। ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी, ऊँची, आक्रामक लगती है। यहाँ पर आपको एक कॉम्पैक्ट प्रीमियम डिज़ाइन नज़र आएगा। अब देखते हैं इनका रियर। तो आइए अब आपको दिखाते हैं रियर। जीप का रियर आपको ऐसे मिलेगा, जीप की बैजिंग मिल जाएगी, डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है, स्टॉप माउंट लैंप, ए स्पॉइलर कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, और इसी चाबी से इसका बूट आप एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इस दबा के रखेंगे तो ये अपने आप
ये ऊपर चला जाता है। और इसे यहाँ से लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर बटन दिया गया है, यहाँ पर बूट में दबा दीजिए, ये लॉक हो जाएगा बूट। आपको बाद में दिखाता हूँ, सबसे पहले इसको इसके आपको रियर को एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर जो टेल लैम्प का डिज़ाइन मिलने वाला है काफ़ी अच्छा है, रात में बहुत अच्छी चमक बिखेरता है। LED सेटअप बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से आपको ये बैजिंग जो आपको मिल रही है ये वेरियंट की बैजिंग है। और यहाँ पर देखेंगे डिपार्चर एंगल काफ़ी अच्छा लगने वाला है, 1, 2, 3, 4 चार पार्किंग सेंसर यहाँ पर मिल जाते हैं, टोइंग हुक मिल जाएगा और यहाँ पर रिवर्स में यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है। और जब इसके बूट को खोलेंगे तो कितनी जगह मिलती है वो भी देख लीजिए, कितने तरीके से बूट खोल सकते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी मतलब इसके बाद में इतना सामान रख सकते हैं, पूरा सामान हमने भरा हुआ है। और यहाँ पर लाइट वगैरह की व्यवस्था मिल जाती है, पार्सल ट्रे मिल जाता है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगने वाला है। लेकिन जब आप हैरियर की तरफ चलेंगे वहाँ पर क्या मिलता है वो भी देख लेते हैं। तो हैरियर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कनेक्टिंग लाइट मिलती है पूरी टेल लैंप पे, काफ़ी खूबसूरत लग रही है, मुझे बहुत पसंद है इसकी। और यहाँ पर डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है, स्टॉप माउंट लैंप यहाँ पर मिलता है और ये स्पॉइलर आपको इस तरीके से मिल जाता है। अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खूबसूरती नज़र आने वाली है। यहाँ पर देखिए रिवर्स पार्किंग कैमरा, 1, 2 पार्किंग सेंसर और ये जो डिपार्चर एंगल है ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। इस बूट को भी आप चाबी से खोल सकते हैं और इसे और भी कई तरीके से खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इसे खोलना है तो इस तरीके से, मतलब चाबी से दबा के रखिए, ये ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर जो आपको बूट मिल रहा है ये बताता है कि जीप कंपास से कहीं ज़्यादा बूट स्पेस ऑफर करती है हैरियर। यहाँ पर स्पेयर व्हील इस जगह पे मिलता है जबकि जीप में आपको ऊपर ही आपको बूट में ही स्पेयर व्हील रखा हुआ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मिला के काफ़ी प्रैक्टिकल बनाती हैं हैरियर को। तो स्पेस के हिसाब से अगर आप कुछ कंसीडर करेंगे तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हैरियर 100% आपको पसंद आने वाली है। जबकि जीप अपने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और स्टाइल से हो सकता है आपको खूबसूरत लगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से यहाँ पर अभी तो ये पीछे रहती है। क्या करते हैं पीछे बैठकर देख लेते हैं, देखते हैं कि इसमें ज़्यादा जगह ऑफर करती है गाड़ी। तो भैया मैं जीप की रियर सीट पर आ गया हूँ, दो लोग बैठेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत अच्छे से आराम से यहाँ पर बैठा हूँ। कप होल्डर वगैरह मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल जाता है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, इसे काफ़ी प्रैक्टिकल बनाते हैं। लाइट मिल जाती है, दरवाजे पर आपको हाथ रखने की ऐसी व्यवस्था मिल जाती है, एसी वेंट कुछ इस तरीके से मिलता है। और यहाँ पर USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाता है। तो ये काफ़ी प्रीमियम लग रही है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगने वाला है। आगे देखेंगे तो ये ब्लैक कॉम्बिनेशन मतलब इसके प्रीमियम होने का पूरा एहसास करवाता रहता है। तो भैया यहाँ पर बैठकर तो अच्छा लगा, लेकिन हैरियर क्या ऑफर करती है वो भी देख लेते हैं। अब मैं हैरियर की रियर सीट पर आ गया हूँ, यहाँ पर भी आर्मरेस्ट कप होल्डर के साथ मिल जाता है और ये स्टिचिंग इस कलर की जो बॉडी कलर का दिया गया है फॉलो किया गया है, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, हालांकि यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन टनल का ये इंटरप्शन मिलेगा, फिर भी लोगों को देखा मैंने काफ़ी आराम से बैठे थे। सीट की कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर अच्छा लगने वाला बैठ के, आपको आराम से हाथ रखने की जगह मिल जाती है, बढ़िया हेडरूम मिल जाता है, लेग रूम मिल जाता है, सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छी है क्योंकि 6 से ज़्यादा एयरबैग इसमें मिलते हैं, तो आप इसमें सेफ फील कर सकते हैं क्योंकि टाटा ने क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। JBL के स्पीकर मिलते हैं, हालांकि वहाँ पर भी आपको साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन वहाँ प्रीमियमनेस ज़्यादा आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट इस जगह पर हेडरेस्ट ही नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हेडरेस्ट दिया गया है ये बिजनेस क्लास के याद दिलाते हैं, काफ़ी अच्छे से दिया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर स्पेस के मामले में उठाकर देखेंगे किस में ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाले हैं तो मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि हैरियर आपको ज़्यादा स्पेस ऑफर करने जा रही है। यहाँ पर जो AC वेंट मिलता है वो पिलर पे दिया गया है, तो यहाँ से ज़्यादा अच्छा मैं पिलर वाले को मानता हूँ क्योंकि ज़्यादा कूलिंग देता है। और साथ में यहाँ पर एक C टाइप एक USB टाइप चार्जिंग पोर्ट कंपनी ने ऑफर किया जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर बन पड़ा है। और ऊपर से पैनारोमिक सनरूफ दोनों ही गाड़ियों में मिलता है तो उसका आनंद अलग ही है। अब मैं आ गया हूँ हैरियर की फ्रंट सीट पर, यहाँ पर क्या कुछ मिलता है वो दिखा देते हैं। तो जैसे ही आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे टाटा यहाँ पर आपका स्वागत कर लेता है, बढ़िया फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल और बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, एडास के कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि कभी मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा एडास के फीचर कैसे काम करते हैं। यहाँ पर इल्यूमिनेशन बहुत अच्छा मिलता है और यहीं से पूरा कंट्रोल होता है, तो AC का टेम्परेचर यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहीं से आप पूरा मैनेज कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। ड्राइव मोड आप यहाँ से बदल सकते हैं, ड्राइविंग मोड यहाँ पर दिया गया है और ये बहुत ही अच्छे पैटर्न वाला यहाँ पर आपको शिफ्टर मिल जाता है जिससे आप RNDP यूज़ कर सकते हैं दबा के, काफ़ी अच्छा लगा है। और यहाँ पर आपको ऑटो होल्ड यहाँ पर बटन मिल जाता है, साथ में यहीं पर आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाता है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। पियानो का फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है और एक कलर कॉम्बिनेशन नियॉन के साथ में जो बनाया गया है डैशबोर्ड पे काफ़ी अच्छा लगता है। और एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसपे क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है, विजिबिलिटी अच्छी बनी रहती है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें स्टीयरिंग पर मिल जाती हैं, क्या मिलता है दिखा देता हूँ। तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक
की सुविधा मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करेंगे तो ये थोड़ा छोटा लगता है, आंखों में थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था। इस पर भी विजिबिलिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, जो कि यहाँ पर इन्होंने ऑफर नहीं किया, बट फिर भी ओवरऑल अगर उठा के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट आपको नहीं करेगा। कभी मौका मिलेगा तो इस पर और ज़्यादा वीडियोज़ बनाएंगे और बताएंगे। लेकिन इसमें कनेक्टेड फीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं। स्टिचिंग इसकी प्रीमियमनेस वाली बताती है कि कितनी अलग तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश की गई, यानी प्रीमियम क्वालिटी आपको 100% इसमें भर भर के मिलने वाली है। यहाँ पर आपको वेंटिलेटर सीट मिल जाता है, जो कि सीट पर ही यहाँ पर आपको बटन मिलता है, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं दोनों सीटों के लिए। ये काफ़ी अच्छा पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। साथ में यहाँ पर आपको सी टाइप और एक यूएसबी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, ठंडा रहता है, तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया गया है। यूटिलिटी स्पेसेस भर भर के दिए गए हैं, दो कप होल्डर यहाँ मिलते हैं, दरवाजे पर ढेर सारी पानी की बोतल लगा सकते हैं, यहाँ पर आप ग्लोव बॉक्स में बहुत सारे सामान वगैरह रख सकते हैं। मुझे लगता है काफ़ी मैटर करता है लोगों के लिए। और यहाँ पर जो एसी वेंट का अंदाज़ दिया गया है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसके डिज़ाइन के साथ में बहुत कुछ अच्छे से जाता हुआ। और यहाँ पर देखेंगे सन वाइजर पर, यहाँ पर कुछ मिरर नहीं मिलता है इस जगह पे, लेकिन इस जगह पे आपको मिरर मिल जाता है और वो भी लाइट के साथ में, तो ये चीज़ आपको अच्छी लगने वाली है। तो यहाँ पर उन्होंने मिस कर दिया है। और यहाँ पर आपको लाइट वगैरह कुछ इस अंदाज में दिया गया जो कि LED वाला है, और सनरूफ आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। IRBM भी ऑटो डिमिंग रखा गया जो कि काफ़ी इसे प्रैक्टिकल बनाता है। तो स्पेस के हिसाब से स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से इस गाड़ी में किया गया है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ जीप कंपास। अब मैं जीप कंपास के फ्रंट सीट पर आ गया हूँ, यहाँ पर जो जो चीज़ें मिलती है दिखा देता हूँ। तो स्टीयरिंग पर इस पर आपको टेलीस्कोपिक मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है। जब गाड़ी को आप स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा, देखिए यहाँ पर जो इल्यूमिनेशन आता है बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसका जो क्वालिटी है नेक्स्ट लेवल है, और इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं आप हैरियर को। ये बहुत मज़ेदार है सब कुछ यहाँ पर आपको दोनों ही गाड़ियों में। हालांकि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा अपना काम करता है, लेकिन इसकी विजिबिलिटी और जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी लग रही है। स्टीयरिंग पर आपको इस तरफ मिलता है कंट्रोल बहुत सारा, और यहाँ पर आप वॉल्यूम वगैरह बढ़ा सकते हैं। इस जगह पर दिया गया है वॉल्यूम, और यहाँ से FM नीचे के साइड में दिए गए हैं, तो इसे चेंज कर सकते हैं। तो चीज़ें इसमें बड़े अच्छे से दी गई हैं। AC का पूरा कंट्रोल यहाँ रखा गया है। डिज़ाइन ख़राब नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रीमियमनेस समझ में आएगी, आंखों में बताती है कि भैया इसकी जो क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। दोनों ही गाड़ियों में हालांकि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता है, और जब आप ऑन करेंगे तो इसकी क्वालिटी आपको दिखने में ज़्यादा अलग लगने वाली है। डैशबोर्ड का टच एंड फील काफ़ी अच्छा है, सेफ्टी के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है। दोनों सीटों पर वेंटिलेटेड का ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ से कंट्रोल करना है, और यहीं से पूरी इंफॉर्मेशन गाड़ी की आप देख सकते हैं। यूटिलिटी स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आप दो कप होल्डर यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ पर आप सामान छोटा मोटा रख सकते हैं। मैनेजमेंट उसका ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, इसमें उतना अच्छा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है, एक सी टाइप USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है, उसमें कई सारे चार्जिंग पोर्ट आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं, बहुत सारा सामान रखने की जगह यहाँ मिल जाती है। दरवाजे पर आप पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं, तो वो अच्छे से दिया गया है, और अपना पूरा जो मैनेजमेंट आप जमा सकते हैं इसका यहाँ से बहुत अच्छे से दिया गया है। ये बटन वगैरह काफ़ी टच एंड फील वाले हैं। तो यहाँ पर सनवाइजर पर दोनों तरफ, हालांकि लाइट इसमें नहीं है, पर ये बैंड्री मिरर दे दिया गया, चेहरा वगैरह देख सकते हैं। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, मतलब इसको छुएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी इन्होंने यूज़ की है। तो भैया अगर फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें भी कई सारे कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, वहाँ भी कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, और जो फीचर्स और दिए गए हैं वो कई मायनों में इसमें अलग है। जैसे सस्पेंशन सेटअप आपको थोड़ा सा बेटर इसका लगने वाला है। हैरियर में आपको सस्पेंशन अच्छा मिलता है, लेकिन जगह पे अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे तो हैरियर आपको ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलिए दोनों में एक ही इंजन दिया गया है, दोनों की पैकेजिंग दिखाता हूँ आपको। तो आइए आपको दिखाते हैं दोनों ही गाड़ियों की पैकेजिंग। तो यहाँ पर आपको जो इनका डीजल इंजन मिलता है, जिस तरीके का ये 2 लीटर का डीजल इंजन है, हालांकि दोनों में सेम इंजन है, 170 PS 350 Nm का टॉर्क यहाँ से मिलता है, लेकिन पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगने वाली है इस जीप में। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दिया गया है, और इसे बंद कर देते हैं। ये भी इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब इंसुलेशन प्लेट वगैरह के साथ काफ़ी अच्छे से ये आता है, और जब बंद किया तो ये भी मतलब काफ़ी अच्छा हैवी फील कराता है। टाटा में तो हैवी मिलना ही है, टाटा देश का लोहा है। तो यहाँ पर क्या मिलता है, देखिए क्रायोटेक 170, मतलब इस पर तो नंबर यहीं पर अंकित कर दिया है। ये पैकेजिंग थोड़ी सी लगेगी, मतलब थोड़ा सा होनहार पैकेजिंग है, बट उसकी पैकेजिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। लेकिन जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दे वहाँ पर बात ही अलग हो जाती है। यहाँ पर इंसुलेशन प्लेट वगैरह मिल जाता है, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा हैवीपन मिलने वाला है। तो भैया इन दोनों गाड़ियों में अगर उठाकर देखेंगे तो बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से टाटा की हैरियर आपको 100% समझ में आने वाली है। पूरा परिवार आपका बैठेगा 5 लोगों वाला, तो वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा। जीप में आपको कंप्लेन हो सकता है, टाटा का सेल्स नेटवर्क, सेल्स और सर्विस नेटवर्क आपको परेशान नहीं करेगा। जीप को भी उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इस वीडियो में बस एक चीज़
बताना चाहता हूँ कि ये दोनों गाड़ियाँ ही बहुत ही परफेक्ट हैं, कोई थोड़ी सी ज़्यादा है, कोई थोड़ी सी कम है, लेकिन मुझे ये पसंद आई क्योंकि इंडियन कंडीशन के हिसाब से अगर मैं आपको कुछ बताऊँगा तो जीत जाती है अपने आप ही हैरियर। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं इस पर भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि वो हमारे लिए मायने रखता है। बाकी कुछ और पूछना है तो हमारा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, आइए सवाल के लिए सारे जवाब ले जाइए।